ग्वालियर शहर की मुरार पुलिस ने अपने ही विभाग के एक सब इंस्पेक्टर की फरियाद पर बड़ा गांव के तीन लोगों पर शासकीय कार्य में बाधा डालने और धमकाने का मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल इस मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि सब इंस्पेक्टर रविंद्र कुशवाहा बड़ा गांव पुलिस चौकी पर पदस्थ है। उन्हें सूचना मिली थी कि हिस्ट्री शीटर बदमाश सतीश यादव की गतिविधियाँ संदिग्ध है। सब इंस्पेक्टर उसे तलाशने गाँव पहुंचे, लेकिन भिंड रहवासी कान्हा यादव ने पुलिस वाहन के सामने अपनी गाड़ी लगा दी और बड़ा गांव के ही राजेश यादव ने सब इंस्पेक्टर को धमकाया। घटना के बाद सब इंस्पेक्टर ने मुरार थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मामले में हिस्ट्री शीटर सतीश यादव और उसके साथी कान्हा और राजेश यादव के खिलाफ में मुकदमा दर्ज किया गया है। हाँ, ये रविंद्र सिंह कुशवाहा की तरफ से शासकीय कार्य में बाधा कहा है, क्योंकि रविंद्र कुशवाहा बड़ा गांव चौकी पर तैनात हैं सब इंस्पेक्टर के रूप में। सतीश यादव करके एक पुराना हिस्ट्री शीटर है, बदमाश है, उसकी कोई सूचना चेकिंग के उद्देश्य से उसको सूचना मिलने पर उसकी ट्रैकिंग करते हुए उसको पुल के ऊपर रोकने का प्रयास किया गया था। तो हालांकि सतीश यादव तो सामने नहीं आया, कोई खटपसंद व्यक्ति आके गाड़ी बीच में अड़ा दी है, जो कान्हा यादव करके नाम आ रहा है और राजेश यादव, इन्होंने गाड़ी अड़ा दी है और उसका कहना है कि भाई हमको कार्य जो करने जा रहे थे उसमें थोड़ा रुकावट डाली गई है। ऐसा इंटेंशनली प्रतीत हो रहा है कि इनके द्वारा रुकावट डाली गई है।